वेलकम बैक है जी फिर से आगे ले अपन लोग वैसे आज मैं ज़्यादा चिल्ला के नहीं बोलूंगी क्योंकि तुम लोगों को पता नहीं कि वो ए एस एम आर फीलिंग आता है वैसे तुम लोग देख रहे हो मैं आजकल वीडियोस नहीं देख रहे हो चलो कोई ना देखो तो शेयर कर देना क्योंकि दुआओं में याद रखे जाओगे यार और तो क्या ही बोलूँ क्या तुम्हें तो, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा शेयर करने से चलो ये सब छोड़ो आपा लोग तो ग्राइंड हार्ड करते रहेंगे और सेवन स्टोरीज इन फिफ्टीन डेज चैलेंज के आज छठे दिन की आ, तीसरी स्टोरी लेके मैं हाज़िर हो गई हूँ आई नो ऑट डेज पे आनी थी तो फर्स्ट थर्ड से फिफ्थ डे पे आनी चाहिए थी पर यार मैं क्या करूँ मम्मी के फ़ोन पर रिकॉर्ड करती हूँ अब मम्मी कल फ़ोन लेके चली गई तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई आज से ये बताऊँ तो एक बिजनेस की स्टोरी है मतलब साइंटिस्ट तो इसे क्यों ही कहा जाता है मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है तो आओ चलो सुनते हैं लेट स्टार्ट एक समय था जब हर छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़े काम के लिए इंसान को अपने मसल्स अपनी मांसपेशियों अपनी मेहनत पर निर्भर होना पड़ता था कहीं जाना हो तो या तो पैदल या किसी जानवर पर बैठकर। कुछ समय बाद पवन चक्की यानी कि विंड मिल का आविष्कार हुआ जिससे शारीरिक मेहनत यानी कि मैकेनिकल एनर्जी थोड़ी कम हो गई उस वक्त के लोगों के लिए इतना काफ़ी था शायद लेकिन अगर हम आज की बात करें तो वो लोग कुछ हद से ज़्यादा ही नहीं मेहनत कर रहे थे फ्यूचर में वो इस मेहनत को कभी कम कर पाएगा इस बात से बेखबर जेमी अपनी मम्मी से ही पढ़ा करता था और पापा की शॉप में सारे सामान की पहले तोड़ फोड़ मचा के ऐसी तेज़ी कर देता था और फिर बैठ के जोड़ता फिरता था अब नानी के घर जाके तो वैसे भी कुछ ज़्यादा ही जलूल ख्याल आते हैं तो जेमी जब अपने नानी के घर गया तो बैठे बैठे देखने क्या लगा कि अंगीठी पे केटल पड़ी है अब अगर तुम्हें ये नहीं याद आ रहा ना कि केटल कैसी दिखती है तो भैया जाके चेकअप करा लो अपना हाँ तो कुछ ऐसी सी दिखती है केटल ठीक है ना अब केटल में था पानी जो कि उबल रहा था और उसकी भाप भाप पता है ना स्टीम तो उसकी भाप से केटल का ढक्कन ना बार बार ऊपर वो उचल रहा था जेमी ने केटल की सूंढ पर जाके चम्मच रख दिया तो देखता है क्या है कि भाप के प्रेशर से चम्मच भी उड़ने लग गई बस ये इंसिडेंट यहीं तक का ही था उसके बाद अगर आग के पास जाने के लिए नानी से उसकी मार पड़ी होगी तो भैया वो उसकी प्रॉब्लम है अपने पिताजी के वर्क हाउस में ही था जेमी जब किसी का कुछ सामान ख़राब हो गया था और वो रिपेयर करने के लिए उसके पापा के वर्कहाउस लेके आया जिमी उसको ठीक करने लगा और वहीं अपने दोस्त के साथ मिलकर उसने वो अपने नानी के घर वाली बात इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और आइडिया काम कर गया अरे बस क्या कट्टू अगली बड़ी चीज तो वॉट जब बड़ा हुआ तो उसको ग्लासगो यूनिवर्सिटी में थोड़ा सीखने के बाद काम करने का चांस मिल गया जनरली इस यूनिवर्सिटी में जो भी साइंटिस्ट लोग रहते थे वो स्टीम इंजन पर ही काम करते थे तो एक दिन जेमी को एक स्टीम इंजन रिपेयर करने के लिए दिया गया और इस वाले स्टीम इंजन का कॉन्सेप्ट दिया था न्यू ने तो इसका प्रिंसिपल ये था कि समझ लो मतलब यहाँ पर एक सिलेंडर है अब इसके नीचे ये जला दी हमने आग तो भाप यानी कि स्टीम बना अब ये जो स्टीम है इसके प्रेशर से पिस्टन ऊपर गया पिस्टन ऊपर गया तो ये जो ये चप्पू वॉटैवर है ये भी ऊपर गया अब इस सिलेंडर में गया कंडेंसर से पानी तो मामला ठंडा हो गया भाप बननी बंद हो गई और ये पिस्टन आ गया वापस से डाउन ये एक्स्ट्रा पानी सिलेंडर से निकाल दिया हमने तो फिर से भाप बननी शुरू हो गई अब देखते हैं दिक्कत क्या आ रही थी इसमें तो दिक्कत ये थी कि एक बार अगर ये ठंडा हो जाए सिलेंडर उसका कंटेंट तो फिर वो वापस से गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता था तो जेमी ने वही जो अपने पापा के वर्क हाउस में तरीका यूज़ किया था वही तरीका यूज़ किया मशीन को ठीक करने के लिए और वो ये था कि भाई सिलेंडर को ठंडा करने के लिए पानी डालो ही मत मतलब जैसे केटल की सूंड में से भाप निकलता है उसी तरह से सिलेंडर में भी एक छेद बना दो अब एक बार ये पिस्टन ऊपर चला गया तो वॉल्व खुल जाएगा वॉल्व खुला तो भाप जो है वो दूसरे कंपार्टमेंट में जाने लगेगा इधर से प्रेशर कम हो जाएगा तो पिस्टन नीचे आने लगेगा पिस्टन नीचे आ जाएगा तो चप्पू भी नीचे आ जाएगा एक बार इतना हो जाए उसके बाद वॉल्व कर दो तो बंद तो भाप जो है वो वापस से बनने लगेगा पिस्टन वापस ऊपर जाएगा चप्पू वापस ऊपर चला जाएगा देखो ये प्लान बहुत सही वर्क कर गया तो फिर जेमी ने इसको और इम्प्रोवाइज करना चालू कर दिया और यहाँ से वो फिर एकदम से एकदम प्योर बिजनेसमैन बन गया मैथ्यू बोल्टिन के साथ पार्टनरशिप में एक स्टार्टअप खोल लिया स्टीम इंजन का और पबजी की तरह इस इंजन के भी अपडेट्स आते ही जा रहे थे पर फ़र्क इतना था कि इस बार हर अपडेट पिछले अपडेट से बेटर था जेमी ने ऑब्वियसली स्टीम इंजन का फुल पोटेंशियल डिस्कवर नहीं किया था तो और भी साइंटिस्ट थे जो इस पर वर्क करना चाहते थे तो जैसे ही 1800 में स्टीम इंजन से बोल्टन एंड वॉट कंपनी का पेटेंट हटा तो लोगों ने तो भाई बाजू फाड़ दिया मतलब ऐसे ऐसे आइडिया लेके आए लोंडे कि क्या ही बताऊं देखो बतानी तो स्टोरी इतनी थी पर फिर मैंने देखा कि यार बड़ी छोटी हो रही है फिर तो वीडियो तो बाकी तो ख़ैर एडिटिंग के टाइम पे पता चल ही जाएगा पर मैं सोच रही हूँ कि कुछ और इम्प्रोवाइजेशन बता देती हूँ फिर तो जीम्स वॉट ने पानी से ठंडा करने वाला तो कंसेप्ट हटा ही दिया था फिर ये था कि जैसे नीचे से स्टीम से प्रेशर आ रहा था तो पिस्टन ऊपर जा रहा था वैसे ऊपर भी एक स्टीम से प्रेशर आए जिसकी की वजह से पिस्टन नीचे चला जाए इससे होगा क्या कि टाइम कम लगेगा ऊपर नीचे जाने में फिर अगर हम चप्पू से एक व्हील जोड़ दें तो फिर वो गोल गोल भी घूमना शुरू कर देगी और उस गोल गोल घूमती व्हील से भी बहुत कुछ हो सकता है बहुत सारे काम हो सकते हैं बस यार इसके बाद के इंजन तो कुछ ज़्यादा ही टफ थे तो मेरी समझ नहीं आए तो इसलिए इतना ही रखते हैं और ये जो चैलेंज वाली वीडियोज़ हैं इसके लिए मैं लाइक का तो कुछ एम रख ही नहीं रही हूँ तो अपने मन से कर दो कुछ एक दो तीन जितने लाइक्स तुमको मन करे जितना मूड हो तुम्हारा उतने लाइक्स कर दो और जैसे कि हर स्टोरी में मैं नेक्स्ट स्टोरी के लिए एक क्लू छोड़ती हूँ तो इसमें भी एक क्लू है हमारी अगली वाली स्टोरी के लिए तो गैस कर लो और तब तक के लिए बाय बाय राम राम खुदा हाफिज रब रखा एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जब खामोशियों ने चीखा मीठी ये दुनिया असल रंग फीका तेरी वजह से बस पूछूं सवाल तुझसे करूं ऐसी बातें मैंने तुझसे है सीखा जाने क्या पूछे मुझसे खुद मेरा शीशा ये आने वाला कल या वक्त है कोई बीता था ये रोज पूछे सवाल पे सवाल मुझसे कोई बता दो कैसे छूटे इससे पीछा